बिग बॉस खत्म नहीं, बिग बॉस शुरू हुआ है। मुनव्वर फारूकी ने ये बात बोली है। कब बोली है? लाइव फीड के जरिए। अभी आप में से कुछ लोग बोलना चाहते होंगे कि लाइव फीड तो बंद हो चुका है, क्या आपके घर में बिग बॉस का लाइव फीड अभी तक आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि हाँ आ रहा है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा महान बन जाऊंगी। पर मुझे महान नहीं बनना है, मुझे आप लोगों को बताना है कि जब लाइव फीड बंद होने वाला था उससे कुछ ही देर पहले जो है मुनव्वर फारूकी ने इसके बारे में बात की थी। तो मुझे लगा कि अब मुझे याद आया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर ये बात देख रही हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं लाइव फिट को, मुनव्वर फारूकी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे, क्या चल रहा है घर के अंदर, क्या नहीं चल रहा है, तो अब आखिरकार कैसे टाइम काटेंगे, क्या करेंगे। बहुत एंटरटेनिंग हो रहा था लाइव फिट देख के, तो आखिरकार करेंगे तो करेंगे क्या। बहुत सारे सवाल है जो कि सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं और वोटिंग अपील मुनव्वर के लिए की जा रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है कि वोट अपील आप लोग कर रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि मुनव्वर को भी पता है कि जब लाइव फीड बंद होगा, जब बिग बॉस बंद होगा, तब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएंगे, मुनव्वर की जनता बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी। तो मुनव्वर ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझा ज़रूर है। तो मुनव्वर ने ये बात जो है अंकिता अभिषेक से जो है गार्डन एरिया में ही बैठे हुए कर रहे थे, और वो बोल रहे थे भाई क्या क्या सब चीज़ें किया ना, टाइमिंग पे किचन और फिर राशन डिवाइड, फिर अपना अपना करना, क्या क्या सब चीज़ें सह के, कितनी सब चीज़ें करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अंकिता भी बोलती है कि हाँ यार अब देखा जाए तो बहुत इजी वो लगता है ना कि हमने सब चीज़ें सह ली, अब आराम से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो अब तो बिग बॉस ख़त्म हो गया। पर वहां पर बोलते हैं मुनव्वर कि बिग बॉस अब तुम्हारा खत्म हुआ है, मेरा तो एक साल तक चलेगा, एक साल तक। मुनव्वर को ये बात पता है कि भाई जब मैं बाहर आऊंगा, अगला बिग बॉस आने तक जो है मेरी हर एक कदम जो है लोगों की नज़र उसके ऊपर रहेगी, मैं क्या करता हूँ, मुझे बिग बॉस के बाद क्या काम मिलेगा, क्या काम नहीं मिलेगा, मैं क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, नाजिला ने मेरे बारे में क्या बोला, मेरा और नाजिला का रिश्ता क्या हुआ, आखिरकार आयशा से मिले क्या बाहर निकलने के बाद, तो आयशा ने क्या बोला, ऐसे ढेरों सारे क्वेश्चन जो है एक साल तक कहीं ना कहीं चलते रहेंगे। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि मेरा बिग बॉस एक साल तक तो चलेगा। सही बात बोल रहे हैं भाई मुनव्वर फारूकी, आप लोगों को ना कभी चूके थे एंटरटेन करने के लिए बाहर रहते हुए, और ना तो वो बाहर आने के बाद आपको एंटरटेन करना बंद करेंगे। जब तक वो रहेंगे तब तक अपनी मुनव्वर की जनता को वो एंटरटेन करते रहेंगे, ये बात तो भाई लाला पक्की है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।